ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में ईवी इंडिया 2021 इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल एग्जीबिशन का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि कई बड़ी कंपनियों ने इसमें भाग लिया। इसमें जो कंपनियां हैं कई बड़ी, एलपीएस बोसार्ड कंपनी ने भी अपने प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई। आपको बता दें कि एलपीएस बोसार्ड कंपनी के एमडी राजेश जैन ने बताया कि आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल की मांग है। एलपीएस बोसार्ड मोटर व्हीकल से लेकर हवाई जहाज तक में लगने वाले कंपोनेंट्स बनाती है। एलपीएस एक बड़ी कंपनी है, किसी परिचय की हालांकि ये कंपनी मोहताज नहीं है। कंपनी से हर दिन व्यापार जगत के बड़े उद्योगपति और कुछ कंपनियां जुड़ रही हैं। इंडिया में पार्टिसिपेट कराया ग्रेटर नोएडा में, और ईवी आज अपने आप में एक इमर्जिंग सेगमेंट है। और जैसा कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये कर दिया है कि भाई 2030 में 35 में कि सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट होनी चाहिए और सब गैसोलीन की और पेट्रोल की सब व्हीकल्स बंद होने चाहिए, तो हमारी कंपनी एलपीएस बोसार्ड ने इसमें बहुत अर्ली स्टेज पर इनिशिएटिव लिया है और हम बहुत सारी कंपनीज के साथ इसमें ईवी सेगमेंट में जुड़ गए हैं।